की भूमिका का बेसिक जो एजेंडा है वो ये कि हम ऑर्गेनिक फूड, मतलब जिसमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, कोई भी केमिकल ना यूज हो रहा हो, ऐसे खाने को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फार्मर की नहीं है जो उगा रहे हैं, ये हमारी एज अ कंज्यूमर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये एज अ रिटेलर या होलसेलर जो मार्केट में बेच रहे हैं वो क्या बेच रहे हैं, ये जब तक एक पूरा टीम वर्क नहीं करेगा तब तक ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है इट इज़ बेसिकली कि हम फार्मर से लेके कंज्यूमर तक को एजुकेट करें कि बाय ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का क्या प्रोसेस है। बट उससे पहले मैं जो आज आप लोगों के साथ बात करूँगी वो है नॉर्मल फूड, खाना क्या होता है, खाना हमें क्या देता है और खाने से क्या क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हमें कोई बीमारी होती है, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, चेस्ट पेन होती है, लेग्स में पेन होती है, हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर 10 तरह के टेस्ट लिख देते हैं आजकल, फिर हम बोलते हैं अच्छा, फिर टेस्ट लेके हम दोबारा डॉक्टर पे जाते हैं और फिर हम खाते हैं दवाई। और हमें इतना एक मेंटल सेटिस्फैक्शन हो जाता है दवाई खा के हमारी दर्द ठीक हो गई या हमारी बीमारी ठीक हो रही है। बट दवाई के पहले आप क्या खा रहे थे, खाना खा रहे थे, तो वो खाने का 90% रोल हमारी बॉडी पे होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी सारी नरिशिंग जो है वो खाने से स्टार्ट होती है। फूड इज द बेसिक ऑफ आवर लाइफ। अगर हमारा फूड ठीक है तो हमारी लाइफ सही जा रही है, अगर हमारा फूड में प्रॉब्लम है तो ही हमारी हेल्थ सफ़र करती है। मतलब कि हम अपने खाने में या हमारे खाने के टाइमिंग में या पोर्शन में या जो चीज़ें हम कंबाइन करके खा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम है, तभी हमारी बॉडी में शुगर, थायराइड, बीपी, जो कि आजकल हर घर में ये प्रॉब्लम है। शुगर इज समथिंग जैसे कि ये तो ऐसा हो गया कि जैसे हर घर में दो बच्चे हैं तो मतलब समझो हर घर में दो लोगों को डायबिटीज़, तीन पेशेंट्स को बीपी है और थायराइड है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आज से 10-20 साल पहले हम बहुत रेयरली सुनते थे, जैसे कैंसर है। आजकल हम कैंसर इतना ज्यादा सुनते हैं, तो व्हाई आर दीस थिंग्स हैपनिंग, इसका मेजर रीजन क्या है? इसके मेजर रीजंस दो हैं, एक तो जो हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है, और एक हमारी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब हम सुबह उठते हैं, सेडेंटरी वर्क करते हैं, ऑफिस आते हैं, टेबल पे बैठते हैं, काम करते हैं, या चलो हम मूवमेंट का काम करते हैं, घर जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। पर इस पूरे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक में हमने अपने ऊपर और अपनी हेल्थ के ऊपर कितना फोकस किया है, 5% भी नहीं। हम सुबह उठते हैं, जो लंच में पैक हो जाए वो हम खा लेते हैं, शाम को डिनर जो घर पे बना हो थोड़ा बहुत कभी हम बाजार से मंगा लेते हैं। सो दिस इज अ बेसिक रूटीन जो हम सब लोग फॉलो करते हैं। सो आई जस्ट स्टार्ट विद बेसिक थिंग कि खाना होता क्या है। खाना बेसिकली हमारी बॉडी को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देता है। खाने में एक चीज़ होती है हमारे फूड में कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, छोटी छोटी बॉडीज जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, जैसे सुनते हैं कैल्शियम है, किसी को विटामिन D3 की कमी है, B12 की कमी है, किसी को फॉलेट की कमी, आयरन की डेफिशिएंसी, बहुत सारी लेडीज को एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। देन ये सब चीज़ें जो हम सुनते हैं ये सब जो हमारे न्यूट्रिएंट्स से लिंक होती हैं। सो खाने में हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, एक तरह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी जो हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छे से बेटर वर्क करती है। मैं अभी आप लोगों के साथ एक बहुत बेसिक सी बात, मुझे आप बताओ आप लोगों में से कितने लोग सुबह उठते हैं पहली चीज़ चाय पीते हैं? चाय सबसे पहले उठते ही एक कप चाय, मतलब सबसे पहली चीज जो आप पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। चाय सबसे पहले उठते, चाय कौन पीता है? खाली पेट अब जब हम चाय पीते हैं, चाय से हमें लगता है मेंटली कि अरे चाय मिल गई आपको पूरा दिन सही जाएगा, सर दर्द ठीक, सब काम फ्रेश हो जाते हैं। ये फ्रेश होना जो होता है वो उसमें एक चीज़ होती है कैफीन। तो कैफीन एक बड़ी खतरनाक चीज़ भी है। वो क्या करता है, हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम पे इतना ज़्यादा इम्पोजिडली काम करता है कि हमें वो सारा हमारा मेंटल स्टेटस जो है वो चेंज हो जाता है एक तरह से। ऐसे ही कॉफ़ी का भी यही काम है। तो जब हम लोग खाली पेट जब सुबह उठते हैं, रात को हम कोई लोग 8 बजे डिनर करते हैं, कोई 9 बजे डिनर करते हैं, कोई 10 बजे करते हैं। जब आप रात को 8 बजे खाना खा रहे हो उसके बाद सीधा सुबह आप 7 बजे उठ रहे हो, तो आपका खाली पेट का टाइम काफ़ी ज़्यादा रहा, इतनी देर आप एम्प्टी स्टमक रहे। तो जब हम इतनी देर एम्प्टी स्टमक रहते हैं ना, हमारी बॉडी में उस एम्प्टी स्टमक के टाइम पे एसिड बनता है। तो वो जितना ज़्यादा हम खाली पेट रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी में एसिड बढ़ेगा, और वो एसिड ही हमारी बॉडी में 70% प्रॉब्लम्स का रीज़न होता है। तो जब आप सुबह उठते हो और उसके बाद आप चाय ले लेते हो, चाय क्या है, कैफीन, तो जो एसिड बना ना वो ऑलमोस्ट आप समझ लो 20% और बढ़ा देती है चाय जब आप खाली पेट ले रहे हो। तो पहली चीज़ जब आप अपना सुबह का चाय लो, चाय का पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 घंटे बाद लो सुबह उठने के, लेकिन सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले चाय पीना बंद कर दो। आप उसकी जगह पे कोई भी नॉर्मल या तो पानी कंज्यूम कर लो, गर्म पानी ले लो
नींबू पानी ले लो, नारियल पानी ले लो, उसमें पानी में थोड़ा जीरा बॉईल करके जीरे का पानी बना के ले लो, मेथी का पानी बना के ले लो। ये जो हर्ब्स होती है ना छोटी छोटी, जैसे अजवाइन, मेथी दाना, हमारा सूखा धनिया, लौंग, काली मिर्च, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जब आप एक दाल में या सब्जी में डालते हो, एक चुटकी भर पूरी सब्जी में डलती है जो पूरे घर ने खानी है, तो आपकी बॉडी में तो मतलब आप समझ लो 1 ग्राम भी नहीं गई। तो जब आप प्योर इसका सुबह पानी पियोगे तो एक तो आपकी बॉडी का एसिड लेवल कम होता है, तो जब वो एसिड लेवल कम होगा उसके बाद आप कुछ खाओगे ना, वो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। क्योंकि क्या होगा, जितना एसिड बनेगा, एसिड जाके आपकी हड्डियों को गलाता है। जैसे हम कभी एसिड को किसी चीज़ पर डालते हैं, कोई चीज़ गलना शुरू हो जाती है ना, सेम हमारी बॉडी के अंदर होता है। जब आप एसिड कंज्यूम कर, जब एसिड बन जाता है, वो आपकी बोन्स को वीक करता है। बोन्स को वीक करेगा तो आपको नी पेन्स, आपकी बैक में पेन्स, सर्वाइकल की पेन्स जो लोगों को शुरू हो जाती है, कई लोगों को एसिड इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिससे आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। जिससे हम बोलते हैं ना हाई ग्लूकोज लेवल, हाई ब्लड शुगर, मतलब हमारी शुगर इंक्रीज हो गई, उसी से आपकी डायबिटीज़ की भी शुरुआत हो गई। तो सबसे पहली चीज़ जो हम गलत करते हैं वो है खाली पेट रहते हैं ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक। और कई लोग ऐसे भी करते हैं कि सुबह नाश्ता करके घर से निकले, पूरा दिन 2 कप चाय पी, सीधा शाम को जाके डिनर किया, ये भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो पहली चीज़ अपना एक रूटीन बना लो, छोटी सी हैबिट है कि हर 3-4 घंटे में कुछ थोड़ा बहुत खाना है। थोड़ा बहुत मतलब कभी कुछ फ्रूट ले लिया, कभी भुने हुए चने खा लिए, मुरमुरे खा लिए, मखाने खा लिए, या फिर कभी अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, अगर आपको कुछ खाने का मन नहीं, नींबू पानी ले लो, छाछ पी लो, आप लोग कोकोनट वाटर जैसे नारियल पानी कहीं भी मिल जाता है आप वो ले सकते हो। सो ट्राई टू कंज्यूम 3-4 घंटे में कोई भी छोटी छोटी चीज़ जिससे आपके पेट में एसिड कम बने। और दूसरा, जब आप सुबह खाली पेट उठते हो तो सबसे पहली चीज़ चाय ना लेके कुछ और लिया। उसके बाद खाना हमें क्या देता है, सबसे पहले तो खाना हमारी इनर ग्रोथ मतलब हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पे कितने लोग को फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब वॉक हो गई, योगा हो गई, एक्सरसाइज हो गई, जिम हो गई, कुछ भी, 1 घंटा मतलब डेडिकेटेडली सुबह उठते या शाम को रात को कभी भी फिजिकल एक्टिविटी कितने लोगों की है? ठीक है, आपकी कितने? 1.5 घंटे। और सर आपकी कितनी? 10 किलोमीटर दौड़ना। बहुत, ये बहुत अच्छी बात है दौड़ना। सो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी कम दौड़ो, ज्यादा है तभी सर फिट भी तो है ना। सर मेटाबॉलिज्म भी होता है, खून बनाते बनाते हमारा एक तरह से बनता है जितना। सो एक छोटी सी, तो आप लोग को लगता है कि ना वर्कआउट नहीं लगता, वर्कआउट ना करने का क्या रीजन है? एक छोटा सा रीजन, आलस को छोड़ दो कि आलस आ जाता है, थकावट हो जाती है, पूरा दिन काम नहीं, उसके अलावा क्या रीजन है? टाइम नहीं सेटल होता, ठीक है। और क्या रीजन है? बीच बीच में कभी कभी तो ट्राई किया होगा कि चलो एक महीना वॉक हुई, 2-4 दिन नहीं गए, फिर वो छूट गई, कभी कभी ये इशू होता है। थोड़ा सा वर्कआउट का भी ट्राई करो। ये क्या होता है, एज जब हम लोग अपनी बॉडी को चुस्त रखने का एक बहुत बड़ा जरिया है कि आप कहीं ना कहीं, और ज़्यादा देर नहीं निकालती, अगर आप दिन के 25 मिनट्स भी अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आप कमरा बंद करके डांस करो, एक्सरसाइज करो, आप वॉक करो, रनिंग करो, साइकिलिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 25 मिनट कोई वर्कआउट कर रहे हो ना, आपकी बॉडी एक तरह से एक मेटाबॉलिज्म बिल्ड करती है। जो खाना आपने पूरे दिन में खाया है ना, वो आपका कहीं ना कहीं जाके सेटल होता है, आपका यूटिलाइज होता है, कैलोरीज बर्न होती है आपकी बॉडी में। तो एक छोटा सा काम, खाना जो आप खा रहे हो वो भी ज़्यादा लगता है अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी में बर्निंग होगी, तो जो नया खाना जाएगा ना उसकी यूटिलाइजेशन बहुत इफेक्टिव होती है, कोई चीज़ जल गई यूटिलाइज हो रही है, तो उसके बाद जब आप नई चीज़ डाल रहे हो बॉडी में और एफिशिएंटली यूटिलाइज होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप कुछ ना कुछ अपना एक रूटीन सेट कर सकते हो। सुबह कर लो, रात को मैं कहती हूँ कि रात को 12 बजे भी आपको लगता है ना 12 से 12:30 हम फ्री है, इस टाइम हम कोई काम नहीं है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी आप टीवी, नेटफ्लिक्स, आजकल तो बड़े सारे जरिए हो गए हैं टाइम मन लगाने का। कोविड में कहते हैं ज़्यादा खाली टाइम तो हम घर पर कभी भी नहीं बैठे, तो ट्राई कि आप उसको कम करके अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ के लिए। हम लोग सब काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, क्यों? एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, कि हम अपनी फैमिली को और अपने आप को एक अच्छी लाइफ दे सकें। पर उस लाइफस्टाइल में हम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करके अगर करें ना, तो वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। सो ट्राई कि एटलीस्ट 25 मिनट्स आप थोड़ा सा कोई वर्कआउट स्टार्ट करो। नाउ आई टॉक अबाउट खाने के बारे में। खाने को हम बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सीरियल, जैसे आपकी
गेहूँ हो गया, चावल हो गए, बाजरा आपका जितना ये नॉर्मल हम रोटी ब्रेड चावल दलिया ओट्स ये सब खाते हैं, इसको हम सीरियल की कैटेगरी में डालते हैं। देन पल्सेस आपकी जितनी दालें चने काले चने स्प्राउट्स, पल्सेस बेसिकली मीन्स प्रोटीन। जैसे बहुत सारे लोग वेजिटेरियन लोग को ये कंसर्न होता है कि क्या हमारी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन मिल रहा है, हम तो अंडा चिकन कुछ नहीं खाते। एक मुर्गा या जो भी हमारे एनिमल है जिसको हम खाते हैं, गोट हो गया, शीप हो गया, एनी एनिमल, वो क्या खाते हैं? घास खाते हैं। उसकी बॉडी में नरिशमेंट सारा प्लांट से आ रहा है ना। तो अगर कोई इंसान वेजिटेरियन है उसकी बॉडी में कोई कमी नहीं है। इट्स बीन एजेस जो हमारे जेनरेशन थी, 90% इंडिया में तो पहले लोग वेजिटेरियन ही होते थे। ये तो फॉरेन कल्चर आया, ब्रिटिशर्स आए, तो लोग ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन में टर्न हुए। बट अगर हम अपनी हिस्ट्री में उठा के देखें तो अगर आप एक वेजिटेरियन डाइट को प्रॉपरली ले रहे हो, पल्सेस को अपनी डाइट में मतलब दालों को अच्छे से डाल रहे हो, प्रोटीन मतलब स्प्राउट्स अच्छे से ले रहे हो, आप काले चने में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, सोयाबीन जिसके हम नगेट्स भी खाते हैं ना, न्यूट्री उसकी एक ग्रेन आती है, जैसे लोबिया दिखता है वैसे ही सोयाबीन आता है, वो बहुत अच्छा प्रोटीन का इंटेक है। ब्रोकली, जैसे अभी सीजन था ब्रोकली का, अब तो खैर जा रहा है, ब्रोकली इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। एंड अगर किसी को थायराइड है तो वो ब्रोकली अवॉइड करे, बट अगर थायराइड नहीं है तो ब्रोकली एक सबसे अच्छा सोर्स है। जितना एक ग्लास दूध में कैल्शियम होता है ना, उतना ही एक ब्रोकली में कैल्शियम होता है, और जितना आपके 6 अंडों में प्रोटीन होता है उतना ही एक ब्रोकली में प्रोटीन होता है। पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, अलसी जिसको हम फ्लैक्स सीड्स आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया, जैसे जैसे चीज़ें पॉपुलर होती है मार्केट में महंगी होती चली जाती है, वो आपके प्राइस टैग की, जैसे मखाने, आई रिमेम्बर कि कुछ आज से 2 साल पहले मखाने कुछ मार्केट में पूछता भी नहीं था कोई, और आज मार्केट में मखाने की वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि लोगों ने बताते मखाने फिट होते हैं, हेल्दी करते हैं। बहुत ऑल्टरनेटिव है हमारे पास बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेज के। सो ट्राई कि आपके डाइट में पल्सेस का एक जो अमाउंट है वो अच्छा रहे, चाहे आपके चाहे अगर आप जैसे आटा आटे की रोटी खाते हो, अगर आप उसमें चने का आटा मिक्स करवाओ या फिर आप उसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स कर लो, या जैसे रात की दाल बनी हुई है सुबह उसी का आटा गूंथ के उसी की चपाती बना के खा ली, वो भी आपका एक तरह से पल्सेस का इंटेक हो जाता है। सो ट्राई कि आप अपनी डाइट में थोड़ा पल्सेस का इंटेक ज़्यादा रखो, बिकॉज प्रोटीन हमारी बॉडी को बहुत चीज़ों के लिए चाहिए, हमारी स्किन के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रोटीन बहुत रिक्वायर्ड है। देन तीसरी कैटेगरी होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, द मोस्ट कैटेगरी जिसको हम सबसे कम खाते हैं। यहाँ पे फ्रूट कितने लोग रोज खाते हैं? एक फ्रूट कम से कम, फ्रूट बॉक्स कौन कैरी करता है? सर एक डब्बा जिसमें कुछ फ्रूट जरूर हो, बाकी कोई नहीं खाता फ्रूट। हाँ आप भी खाते हो सर, बाकी कोई किसी का जवाब नहीं आया, इसलिए मुझे लगा कभी खाते हैं तो आधा की वजह खाते हैं नहीं, बट रेगुलरली जैसे रेगुलर फ्रूट्स नहीं खाते। और सैलेड, सब सैलेड जैसे खीरा टमाटर प्याज का सैलेड, सैलेड कौन कौन रोज खा लेते हैं किसी भी टाइम पे? ये दोनों चीजें बहुत 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 इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना जीरा या मेथी दाना की बात मैंने शुरुआत में की थी, इनमें छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं, वैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल में एक चीज होती है फाइबर। जितना आप फाइबर लोगे उतना आपकी बॉडी में जो फैट है ना, फैट और फाइबर ना एक तरह से एनिमीज दुश्मन का काम करते हैं बॉडी में। तो जैसे ही फाइबर ज्यादा जाएगा ना वो फैट को अब्सॉर्ब करता है और आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट जिसको हम विसरल फैट बोलते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स के आसपास, जैसे जो आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों को, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है, ये जो ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है ये क्या होती है? विसरल फैट होता है जो आपके हार्ट के आसपास या आपकी किडनी के आसपास या आपकी लिवर के आसपास डेवलप हो जाता है। ये रिमूव कैसे होगा? ये अगर आप जितना अच्छा फाइबर लोगे, फाइबर मतलब फ्रूट्स, फाइबर मतलब सैलेड, सैलेड मतलब सिर्फ ये नहीं कि खीरा टमाटर प्याज काटा, सिर्फ प्याज खा लिए हमने दाल के साथ तो वो सैलेड हो गया। सैलेड मतलब आप किसी भी सब्जी को थोड़ा सा स्टर फ्राई करके या बॉईल करके या फिर नॉर्मल भी अगर आप खा सकते हो, अगर आप उसको टेस्टी बनाना है उसमें थोड़ी दही ऐड कर लो। सो ट्राई कि आप एक तरह का या दो तरह का सैलेड जरूर अपने, अगर हफ्ते में 7 दिन है तो ट्राई कि आप 3 से 4 दिन सैलेड जरूर लो, मतलब आप स्प्राउट्स ले सकते हो, उसमें काले चने बॉईल करके उसका सैलेड ले सकते हो, कोई भी दाल को बॉईल करो, थोड़ी कैप्सिकम उसमें मिक्स करो, अनियन टोमेटो गाजर आई हुई है मार्केट में, ब्रोकली मैंने आपको बताया थी न्यूट्रिशियस है, कैबेज हर तरह की अवेलेबल है। सो ट्राई टू ऐड मोर कलर्स टू योर फूड, मतलब ज़्यादा सैलेड ज़्यादा फ्रूट, ज़्यादा मतलब ये नहीं कि रोज ही खाना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूटीन बनाना है, हफ्ते में 4 दिन की अगर आप ये हैबिट डेवलप कर रहे हो तो आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट रीचिंग अ गुड हेल्थ। देन उसके बाद हम आते हैं डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स पे। डेयरी में आपका सारा जितना पनीर हो गया, आपका सारा दही हो गया, आजकल एक बहुत पॉपुलर चीज़ आई है योगर्ट,
बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं योगर्ट और दही में क्या फर्क है। फर्क कुछ नहीं है, बस जो बैक्टीरिया, जैसे हम घर में दही जमाने के लिए खट्टा पड़ोसी से मांग के लाते हैं, तो जो योगर्ट बनाते हैं वो फर्मेंट करके फैक्ट्री में बनाते हैं, तो उसी को एक इंग्लिश नेम और वर्जन दे दिया है कि वो योगर्ट है, बट चीज़ें दोनों सेम है। आप किसी तरह की छाछ ले रहे हो, दैट कम्स इन टू डेरी। और यहाँ पे वेजिटेरियन ज़्यादा लोग हैं या नॉन वेजिटेरियन, तो फिर मैं आपको उस हिसाब से ज़्यादा चीज़ें बताती हूँ। वेजिटेरियन कितने लोग नॉन वेज खाते हैं यहाँ पे? सब खाते हैं नॉनवेज, कुछ बता नहीं रहे लेकिन ओके ओके। सो नॉनवेज अगर आप लेते हैं तो आई थिंक नॉनवेज में दो तीन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए कि एक तो जो रेड मीट होता है मटन, उसका इनटेक कम से कम, क्योंकि वो उसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब आप समझ लो 90% फैट होता है, 10% होती है कुछ अच्छी चीज़ें। बट इट इज़ लाइक कि जैसे हम एक हैमबर्गर खा रहे हैं या पिज्ज़ा खा रहे हैं, मटन इज़ लाइक अ लग्जरी डिश। सो ट्राई कि मटन कम से कम, एग्ज़ आप ले रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई टू टेक एटलीस्ट 3-4 days एग्ज़ आप वीक में ज़रूर लो, 3-4 days। और अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन इज़ लाइक वंस और ट्वाइस इन अ वीक, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज आप जितना ज़्यादा एनिमल फूड खाओगे ना उतना ज़्यादा भी बॉडी में एक्यूमुलेशन होती है। एक्यूमुलेशन इन द सेंस कि जब एक एनिमल को आप खाते हो तो उसमें टॉक्सिसिटी लेवल, जैसे हम फूड चेन पढ़ते थे ना बचपन में कि प्लांट है, प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल को इंसान ने खाया, तो वो टॉक्सिक लेवल बढ़ जाते हैं। सो चिकन खाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके और उसकी रेगुलेशन, जैसे कि आप हफ्ते में कई लोग होते हैं 7 दिन खाते हैं, सो 7 दिन ना खा के वीक में अगर आप ट्वाइस खा रहे हो तो दैट इज़ लाइक मोर देन सफिशिएंट। आपको चिकन का जो नरिशमेंट है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है, बट अगर आप उसको 4-5 days खा रहे हो तो उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, ताकि आपको उससे भी बहुत, अगर ज़्यादा टॉक्सिक पड़ेगा तो उससे भी एसिड पड़ता है, तो ट्राई किया वो भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दो। एंड देन द नेक्स्ट कैटेगरी इज नट्स एंड ऑयल्स। नट्स में सिर्फ काजू बादाम पिस्ता नहीं, नट्स में आपके सीड्स भी आते हैं, जैसे अलसी हो गया, आपका सनफ्लावर सीड्स हो गया, पम्पकिन सीड्स हो गया। जैसे पम्पकिन सीड्स जो होता है 2 चम्मच पम्पकिन सीड्स में अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन होता है, तो अगर आप दिन में 2 चम्मच पम्पकिन सीड खा रहे हो ना, आपकी बॉडी को बहुत अच्छा प्रोटीन मिल रहा है। अलसी इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल का किसी को इशू है तो उसके लिए अलसी बहुत अच्छी है, 2 चम्मच आप किसी भी टाइम। बट ध्यान रखो जब भी आप किसी सीड को खा रहे हो उसको अच्छे से च्यू करके खाओ, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, और रादर देन बाइंग मार्केट से वो फ्लेवर वाले सीड्स या रोस्टेड वाले या सॉल्टेड वाले, वो मत लेके प्लेन लो। और प्लेन सीड्स को आप 2 चम्मच, और अगर आपसे च्यू करके नहीं खाया जा रहा तो हल्का गुनगुना या कोसा पानी के साथ जस्ट स्वॉलो इट, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कोई सीड्स या नट्स खाते हो ना, जैसे हम कोई भी अच्छी चीज़ खाते हैं ना, उसको ये मत करो कि पूरा साल भर उसको खाते रहो। कोई भी अगर आप ऐसी चीज़ स्टार्ट कर दो, डू अ 21-day cycle। 21-day cycle मतलब जब आप उसको खाना शुरू करोगे 5-7 दिन में वो आपको फ़र्क दिखाना शुरू करेगी, और 21वें दिन तक ना आपकी बॉडी को यूज्ड हो जाएगी। अब आप उसके बाद लोगे ना तो वो आपको इतना बेनिफिट नहीं देगी जितना वो पहले देगी, क्योंकि जब किसी चीज़ की बॉडी को हैबिट हो जाती है ना, बॉडी को बता रहे बादाम तो रोज़ आ ही रहे हैं बॉडी के अंदर, तो वो ना धीरे 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 उसकी अब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। तो सपोज आपने 21 दिन अलसी खाई, अगले 21 दिन बादाम खा लो, उसके अगले 21 दिन आप कोई और सीड्स, तो ट्राई टू कीप चेंज योर फूड। चेंज योर फूड से क्या होता है, एक तो आपके सारे फूड्स के आपको नरिशमेंट मिलेगी और दूसरा बॉडी यूज टू भी नहीं। सो ट्राई कि अपने खाने को थोड़ा थोड़ा चेंज करो। कितने लोग हैं कि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर हैबिट है वो सालों से करते आ रहे हैं, कोई दूध पीता होगा आई थिंक सुबह उठते, या कोई 5 बादाम भीगे हुए रोज सुबह खाता है, या कोई ना कोई हैबिट है वो सब करते हैं, जो हम बरसों से घर में एक पर्टिकुलर चीज़ है जो होती आ रही है। सो ट्राई कि आप उसको थोड़ा सा ब्रेक करो। सिमिलरली विथ ऑयल, जो कुकिंग ऑयल है, पहली बात तो कुकिंग ऑयल जो है देसी घी, तिल का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, ये 4 तेल से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है खाना बनाने के लिए। देसी घी का कभी मत सोचो कि आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम देगा, देसी घी इज़ द मोस्ट नेचुरल थिंग। मतलब अगर आप चाइनीज़ भी बना रहे हो ना और अगर उसको देसी घी में बना रहे हो तो वो भी उसमें नरिशमेंट जा रहा है। सो ट्राई टू यूज़ दीज 4 ऑयल्स रादर दैन यूजिंग आप जो रिफाइंड ऑयल आ गए जिसमें बोलते हैं राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल कैसे हो सकता है, राइस में तो ऑयल होता ही नहीं है, ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल, किसी ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी पर आती है जब फैट जाता है। तो अगर आप बोल रहे हो कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल या राइस ब्रान ऑयल, तो दीज आर ऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। सो ट्राई कि आप ये 4 ऑयल ज़्यादा लो और ऑयल्स को भी चेंज करते रहो, जैसे एक महीना आपने तिल का तेल यूज़ कर लिया, अगला एक महीना मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लो,
तो ऐसे ऑल्टरनेट करके ट्राई, और ब्रांड्स भी चेंज करते रहो, क्योंकि हर ऑयल में ना अलग अलग मिनरल्स, अलग अलग कंपनी जो अलग अलग मिनरल्स उसमें डालती है या न्यूट्रिएंट्स डालती है. सो ट्राई कि आप अपने ऑयल्स को, कंपनीज को, ब्रांड्स को चेंज करके कंज्यूम करो. मतलब लास्ट कैटेगरी शुगर. शुगर का मतलब सिर्फ चीनी नहीं, चीनी के अलावा जैसे आप चीनी को रिप्लेस करके आप गुड़ का पाउडर यूज़ कर सकते हो, आप खांड यूज़ कर सकते हो, आप शहद यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको कुछ मीठे की क्रेविंग होती है तो आप खजूर यूज़ कर सकते हो. इवन अगर आपके घर में जैसे पंजीरी बहुत कॉमन चीज़ है जो जनरली बनती है, तो आप पंजीरी बना के अगर आपको मीठे का क्रेविंग है, यू कैन हैव घर की बनी हुई पंजीरी, यू कैन हैव बेसन की चूरी. These are the things which are very healthy for you. वो आपको कोई नुकसान नहीं देगी. और उसमें चीनी की जगह बस कुकिंग में आप गुड़ डाल दो. जैसे हम बेसन की चूरी बनाते हैं तो उसमें चीनी डलती है, या हम पंजीरी बनाते हैं उसमें चीनी डालते हैं, तो आप चीनी की जगह पे गुड़ पाउडर या खांड यूज़ करोगे, तो आपका एक हेल्दी वर्जन भी हो गया, आपका मीठा भी सेटिस्फाई हो जाएगा, टेस्ट बड्स भी सेटिस्फाई हो जाएगी, और आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी. तो बेसिकली करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट लाना होता है. बस हम ये ट्विस्ट क्यों नहीं लाते, क्योंकि हम सोच रहे हैं यार 40 साल से 30 साल से यही चला आ रहा है, अभी तक तो बॉडी सही चल रही है. बट वेयर इज दैट हेल्थ फैक्टर गोइंग ऑन? अभी हम सब ने एक बहुत बड़ा झटका ही समझते हैं, कोविड का टाइम देखा है, लॉकडाउन देखा है, जो आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, सब कुछ सब अपने घर में बंद हो जाएंगे. तो सबसे बड़ी चीज़ जो इस कोविड ने हमें सिखाई है, दैट इज़ कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर कितना ध्यान देते हैं या कितना ध्यान दे सकते हैं. जब हमें पता चला कि एक बीमारी फैल रही है मार्केट में, हम सब अपने घर में बंद होके बैठ गए, हम सब ने विटामिन सी का ध्यान रखना शुरू कर दिया. कितने लोगों ने रामदेव की, हिमालय की, ये इम्यूनिटी कैप्सूल, विटामिन सी कैप्सूल्स खाने शुरू कर दी. क्यों करी? क्योंकि हम डर गए. तो वाई कि मुसीबत आने पर ही डरना है? वाई नॉट कि अपनी इम्यूनिटी को पहले दिन से बिल्डअप करके चलो, चीज़ों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके, खाने को थोड़ा सा ट्विस्ट करके. अगर आप दो रोटी और एक सब्जी जो सब खाते हैं लंच में, उसमें सिर्फ एक रोटी कम करके एक सैलेड का डब्बा ऐड करना है. सिंपल चीज़ें करनी है. उस सिंपल चीज़ों को अपनी हेल्थ के लिए आई थिंक धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे यू कैन ब्रिंग दोज चेंजेस, तो वो आप सबके लिए अच्छा है. देन कैलोरीज, जैसे कई लोग कैलोरीज काउंट करते हैं कि हमने इतना दिन में ये खाया, ये तो कोई काउंट नहीं कर सकता. इवन मैं भी जब डाइट बनाती हूँ तो कभी कभी मेरी भी कैलोरीज काउंटिंग जो इधर उधर होती है, क्योंकि खाने को आप गिन के नहीं खा सकते. खाने को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? बैलेंसिंग. मतलब मेरी एक प्लेट है, उसमें इतना पोर्शन सब्जी का, इतना पोर्शन दाल का, इतना पोर्शन कर्ड का. मैं तीनों चीज़ें अगर बैलेंस वे में खा रही हूँ, ऑब्वियसली अगर मैं एक ही सब्जी खा रही हूँ उसके साथ मैंने 10 रोटियाँ खा ली, तो वो भी हार्मफुल है. एनीथिंग एक्सेस में खाना इज हार्मफुल, चाहे वो अच्छा भी क्यों ना हो. जैसे मैंने बोला ब्रोकली बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप 4-4 ब्रोकली रोज खाओगे वो भी अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम देगा आपको. सो यू हैव टू कंट्रोल द पोर्शन साइज. अब वो पोर्शन साइज आप नंबर से नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो पोर्शन साइज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितना पोर्शन ले रहे हो. सपोज मुझे कोई चीज़, सपोज मेरा बर्गर खाने का मन है आज, या मेरे को आज कोई जंक फूड समोसा खाने का मन है, अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए खाओ, पेट भरने के लिए मत खाओ ये सब गलत चीज़ें. जैसे अगर भूख लगी है तो 4 समोसे 3 समोसे ना खा के अपने टेस्ट बड को और मेंटली सेटिस्फाई होने के लिए एक समोसा खाओ, उसके बाद अपने घर जाके नॉर्मल खाना खाओ, या फिर ट्राई टू ईट समथिंग हेल्दी अल्टरनेटिव उसके बाद. सो जो भी मैडम जी बताइए. हाँ जी, आपने सब चीज बता दी, ये खाओ वो खाओ. जब बाजार में जहर ही मिल रहा है तो फिर शरीर को सुरक्षित कैसे रखें? सर पर वो जहर में ऑप्शन तो आपके पास है ना, कि आपको उसमें भी बहुत ज्यादा जहरीला खाना है या थोड़ा वाला खाना है. गेहूं चावल सब कुछ मिक्स है, सब कुछ मिक्स है, तभी हम अज्ञान. क्या क्या हुआ है? गेहूं को हमारे यहां मकान में रह रहे हैं, गेहूं भी उगाए. सर सी, आप ऑल्टरनेटिव्स ला सकते हो. हम आपको अभी मैम बताएंगे कि कहां कहां पे आपको ऑर्गेनिक चीजें भी मिलती हैं मार्केट में, और कैसे, और वहां पे आप. हां ये बताओ क्या गारंटी है उसकी, ऑर्गेनिक चीजें की? दावे तो इतने बड़े बड़े हैं ब्रांडेड कंपनियों के, कहां से प्रोक्योर करें? ब्रांड ही है सब, सब यही वाले करके पैकिंग करके वो लूट रहे हैं. वो नहीं सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट कुछ टैक्स होते हैं जो हमें एज अ लेमैन पता नहीं होते, वो आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन. बाबा रामदेव की जितना भी सारे औसत से लेकर के क्या बता रहा हूँ, सब आपको पता है क्या हालात है देश के अंदर, लेकिन पब्लिश हो रहा है.